तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग NS-16 ब्लू और ये जो अमेजोन का स्पेस टूरिज्म के लिए जो स्पेसक्राफ्ट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो NS-16 ब्लू ओरिजिन है ये आप जैसे कि जानते हो कि ये 22 जुलाई को ही इसकी टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और कम से कम मुझे वीडियोस बनाते हुए 1 महीना हो चुका। मतलब मैं 1 महीने लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस चाहता था इसीलिए ये वाली वीडियो काफी लेट आ रही है। तो देखो यहाँ पर जो NS-16 ब्लू ऑरिजिन है उसने क्या किया है, पहले वो करना क्या चाहती है या फिर इतने ही ये जो जितने भी स्पेसक्राफ्ट कंपनीज है जो प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनीज है वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो लोग एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाए जिसे वो लोग बार बार 3, 4, 10, 15 फ्लाइट के लिए भी वो लोग लगातार उस स्पेसक्राफ्ट को यूज कर सके। मतलब कि नॉर्मली अभी ऐसा होता है कि आपने अगर एक बार एक स्पेसक्राफ्ट को यूज कर लिया तो आपको उसका थ्रस्टर फेंकना ही पड़ जाता है, या फिर अब वो जो थ्रस्टर है वो आपके किसी भी काम का नहीं रहा। लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज क्या करना चाहती है, जैसे कि हम अपनी नॉर्मल कार या फिर नॉर्मल किसी भी व्हीकल का यूज करते हैं और उसे बार बार यूज करते हैं, आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते होंगे कि भाई आपने एक बार कार यूज कर ली उसके बाद आपने कार को फेंक दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन रॉकेट के साथ ऐसा होता है कि एक बार रॉकेट फ्यूज हो जाने के बाद वो लोग दोबारा उसे नहीं यूज कर पाते। तो ये जो जितने भी ये प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट कंपनीज है जहां पर आप SpaceX, वर्जिन गैलेक्टिक और ये जो ब्लू ऑरिजिन है, इन तीनों कंपनीज का मेन गोल तो एक यही है कि वो ये लोग एक ऐसा रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट बनाए जिसे वो लोग बार बार रीयूज कर सके, और एक सिमिलर टू दी कार आप समझ सकते हो कि आप कार में मान लो एक जगह एक बार वेकेशन बिता करके चले आए तो आपको उसके बाद कार को ना फेंकना पड़ता है। इस तरह से आप एक बार मान लो स्पेस से घूम करके आए तो आपको स्पेस क्राफ्ट को फेंकने की जरूरत ना पड़े, उसके पार्ट्स को आपको शायद कुछ चेंज करना पड़े लेकिन पूरा का पूरा स्पेस क्राफ्ट आपका यूजलेस ना हो। बेसिकली जो थ्रस्टर होता है उसका वो आपका यूजलेस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये जो वर्जिन गैलेक्टिक है जो ब्लू ऑरिजिन है इसने 22 जुलाई को अपने स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया था, NS-16 नाम है इसका। और यहां पर मैं बेसिकली डिफरेंस बताना चाहता हूँ वर्जिन गैलेक्टिक और ये ब्लू ऑरिजिन के बीच में। तो देखो वर्जिन गैलेक्टिक 80 किलोमीटर ऊपर गया था अर्थ के, ठीक है, और ये जो हमारा NS-16 ब्लू ऑरिजिन है इसने कार्बन लाइन को क्रॉस किया, यानी कि ये 100 किलोमीटर ऊपर गया है और वहां से मतलब इसने स्पेस टूर करवाया है अपने पैसेंजर्स को, ठीक है। यहाँ पर शायद 4 के 5 क्रू मेंबर्स गए थे, एक तो जेफ बेजोस थे, एक उनके भाई थे, ठीक है, और एक बूढ़ी लेडी थी जिन्होंने, अगर उनका मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में स्टोरी बताऊं तो उन्होंने काफी बार ट्राई किया था स्पेस में जाने का और वो वहां पर ट्राई करी थी नासे के थ्रू स्पेस में जाने का लेकिन वो जा नहीं पाई और उसके बाद वो काफी बूढ़ी हो गई। तो जिस वजह से नासा ने उन्हें बोला कि नहीं अब आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका हेल्थ कंडीशन अप टू दी मार्क नहीं है, इसीलिए आप नहीं जा सकते हो। लेकिन ये जो NS-16 है हमारा ब्लू ऑरिजिन इसने उन महिला को लेकर के गया और उन्हें एक्चुअल में स्पेस टूर करवा करके लाया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं ये जो महिला थी ये एक पेड कस्टमर थी और आप इसे समझ सकते हो कि पब्लिसिटी भी हो गई कि मतलब नासा ने उन्हें नहीं ले मतलब नासा ने उन्हें स्पेस टूर नहीं करवाया या फिर स्पेस में नहीं भेजा, लेकिन हमारा जो NS-16 ब्लू ऑरिजिन नहीं हमारा नहीं ऐसे तो ये जेफ बेजोस का, मैं बार बार हमारा क्यों बोल रहा हूँ, जेफ बेजोस का जो NS-16 ब्लू ऑरिजिन है उसने इन लेडी को स्पेस टूर करवा दिया। तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट और आप बोल सकते हो कि पब्लिसिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर एक और पर्सन थे जो गए थे और ये सबसे यंगेस्ट पर्सन है और इनका नाम है ओलिवर डेमियन और इन्होंने मतलब ये 18 साल की उम्र थे, मतलब ये 18 साल की उम्र है और ये दुनिया के सबसे यंगेस्ट पर्सन बन गया है जिन्होंने स्पेस टूर किया है, ठीक है, और एक्चुअल में स्पेस टूर किया है क्योंकि ये लोग कार्बन लाइन को क्रॉस करके गए थे तो इन्होंने एक्चुअल में स्पेस टूर किया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब इन्होंने हर एज ग्रुप के पर्सन को कवर कर लिया है, एक आप बोल सकते हो कि भाई ठीक है एक ओल्ड एज पर्सन भी जा सकते हैं, एक 18 साल का कोई टीनेजर भी जा सकता है और एक मिडिल एज पर्सन भी जा सकता है, मतलब कि 34-40 इयर्स का पर्सन भी स्पेस टूर के लिए जा सकता है। तो ये काफी तगड़ा प्लस पॉइंट है। हमारा जो वर्जिन गैलेक्टिक था वो क्या उसने क्या किया था कि उसने सिर्फ क्रू मेंबर्स या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ उनके जो मेंबर्स है मतलब उनके जो कंपनी के जो मेंबर्स है वर्जिन गैलेक्टिक के जो कंपनी के जो मेंबर्स है सिर्फ
उन्हें ही वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस में ले गया था। और बस तो यहां पर किसी पेड कस्टमर, मैं यहां पर पेड कस्टमर की बात कर रहा हूं कि जो पेड कस्टमर है उसने NS16 ब्लू ऑरिजिन को पे किया, जो हमारे जो ये एक लेडी और ये ओलिवर डेमियन जो है इन्होंने पे किया, और मतलब कि इन्होंने पे एक्चुअल में इन्होंने पेमेंट किया है ब्लू ऑरिजिन को और ये लोग ब्लू ऑरिजिन के साथ स्पेस टूर के लिए गए थे। ठीक है, इतनी तो बात हो गई। लेकिन एक और यहां पर आपको मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये जेफ बेजोस का जो हमारा बार बोल रहा हूँ, ये जो NS16 ब्लू ऑरिजिन है, ठीक है, यहाँ पर ये एक समझ सकते हो कि जैसा वर्जिन गैलेक्टिक में आपने बोला कि दो साइड प्लेन लगे हुए और बीच में एक स्पेस शटल या फिर आप उसे रॉकेट बोल सकते हो, मतलब कि उन प्लेन के हेल्प से सबसे पहले वो ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वो ऊपर से ही टेक ऑफ करेगा, उनका जो मेन स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस में जाने के लिए हवा में ही टेक ऑफ करेगा। लेकिन ये जो इनका जो NS16 ब्लू ऑरिजिन है, इसका काफी सारे प्लस पॉइंट है कि सबसे पहले तो आप स्पेस में जाओगे तो भाई आपको स्पेस नजर तो आना चाहिए ना यार, मतलब आप गए तो मतलब आप स्पेस शटल में बैठे ही सिर्फ बैठने के लिए तो नहीं ना गए हो, आप एक्चुअल में स्पेस देखने के लिए गए हो कि आप ऊपर से स्पेस कैसा लगता है, मतलब स्पेस कैसा लगता है। तो ये जो NS16 ब्लू ऑरिजिन है, इसका जो विंडोज सब है, इसके जो विंडोज सब है ये काफी बड़े बड़े खिड़की इन्होंने लगाए, मतलब जेफ बेजोस भैया ने खिड़कियां लगाने में कमी नहीं की है, इन्होंने बड़ी बड़ी खिड़की लगाई जहां से आप स्पेस को इजिली और अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये काफी प्लस पॉइंट है। और अगर इसे कंपेयर करें हम लोग वर्जिन गैलेक्टिक से, तो उसमें छोटी छोटी खिड़की थी, ठीक है, आप सबके अपने प्लस माइनस हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेड कस्टमर्स को लेकर के गए थे, तो पेड कस्टमर्स ने आखिर कितना प्राइस दिया होगा इन्हें स्पेस टूर का, और मैं आपको एक और बात बताऊं, प्राइस तो मैं बताऊंगा ये एक सेकंड रुक जाओ, लेकिन उससे पहले आप समझते हो कि उन्होंने स्पेस में एक दिन एक घंटा भी नहीं बिताया, उन्होंने बस मात्र 2 से 2.5 से 3 मिनट मैक्सिमम उन्होंने स्पेस में बिताए होंगे। और ये जो टोटल टूर है, मतलब आप बोल सकते जिसे स्पेस टूर मतलब कि जाने से वापस आने तक का टाइम सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर का है, मतलब कि स्पेस टूर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट करो और अपने, अगर वैसे तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हो भाई वो $20 मिलियन $25 मिलियन ऐसे ही फूक जाएंगे उनके 20-25 मिनट में। आप 20-25 मिनट में मैंने ज्यादा बोल दिया, 10-15 मिनट में ही उनके $20 मिलियन $25 मिलियन फूक जाएंगे इजिली। तो ये काफी तगड़ा पॉइंट है, मतलब कि इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि 20-25 मिलियन। और हाँ, ये जो ऐसे नहीं कि आप जैसे ट्रेन का टिकट खरीदते हो स्पेस टूर के लिए, ऐसे टिकट नहीं होता है, इसके लिए बिडिंग की जाती है, ठीक है, कि आप वहां पर जाओ बोली लगाओ और जो सबसे जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोली होगी उसे उस स्पेस टूर के लिए, उस टूर के लिए स्पेशली बुक कर लिया जाएगा और उसके बाद वो NS16 के साथ जा सकते हैं। बेसिकली टिकट्स की यहाँ पर बिडिंग की जाती है। और अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो यहां पर कि हम लोग जानना चाहते हैं कि स्पेसक्राफ्ट का जो ये है फ्यूचर क्या रहेगा, स्पेसक्राफ्ट का ये जो स्पेस टूर है इसका फ्यूचर क्या रहेगा, स्पेसक्राफ्ट का यहाँ पर जो जितने भी स्पेसक्राफ्ट यूज किए जा रहे हैं इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इनका फ्यूचर एक ही होने वाला है कि अभी तो इन्होंने बस एक एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है, फ्यूचर में ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब 2022 आने तक ये लोग क्या करना चाहते हैं कि और 3-4 स्पेस फ्लाइट ये लोग ले सके, मतलब कि 3-4 और टूर, NS16 के बारे में बता रहा हूं मैं, ये लोग और 3-4 टूर ले सके इजिली। ये लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि 2022 आने से पहले ये लोग और 3-4 फ्लाइट कर चुके होंगे सक्सेसफुली। तो यहां पर ये काफी तगड़ा क्लेम कर रहे हैं जेफ बेजोस की इनका जो ये वर्जिन था जो NS16 ब्लू ऑरिजिन है ये इजिली अभी 2022 आने से पहले और 3-4 फ्लाइट कर लेगा, और बाय द एंड ऑफ 2022 आप बोल सकते हो कि ये काफी कॉमन हो जाएगा हमारे लिए कि भाई ठीक है आप देख रहे हो कि भाई इस महीना, जैसे कि अभी आप लोग न्यूज में या फिर यूट्यूब पे देखते हो कि भाई ये पर्सन गए थे स्पेस में, ये गए थे वो गए थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ 22 ये जो जितने भी स्पेस टूर है ये एक कॉमन चीज बन जाएंगे, मतलब कि आप देखोगे कि हर महीने कोई ना कोई जा ही रहा है स्पेस टूर के लिए, कोई वर्जिन गैलेक्टिक के साथ चला गया, कोई ब्लू ऑरिजिन के साथ चला गया या फिर कोई स्पेसएक्स के साथ चला गया। तो बाय द एंड ऑफ 2022 ये हमारे लिए कॉमन हो जाएगा, लेकिन अभी काफी तगड़ी चीज है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, पसंद आने पर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।